दोस्तों, अगर आपने अभी तक WhatsApp अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि WhatsApp ने अभी काफ़ी सारे नए फीचर्स लॉन्च किए हैं जिससे कि आपको WhatsApp चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन अर्निंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप WhatsApp अपडेट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट स्टार्ट के पास में इन्होंने कैमरा ऐड किया है। आप इजीली यहाँ से डायरेक्ट फोटो खींच सकते हैं। फोटो खींचने के बाद आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं आपको अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे कलर से आप जिस भी कलर में आप लिखना चाहते हैं उस कलर में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ड्राइंग बना सकते हैं, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अगर किसी को इसको सेंड करना है तो आप इजीली यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर स्टेटस में रखना है तो आप स्टेटस में रख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो अपडेट है वो स्टेटस का। पहले हमको यहाँ एक ऑप्शन मिलता था स्टेटस का, बट अभी इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड किया है स्टेटस, और ये काफ़ी अच्छा है। पहले जस्ट आप वर्ड्स में लिख सकते थे, अभी आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं आपके स्टेटस में, बट वो वीडियो ओनली फॉर 24 आवर तक ही अपेयर होगा, उसके बाद डिसअपेयर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पे कैमरा ओपन कर रहा हूँ तो कैमरे से आप फोटो खींच के आपका जो भी है करेक्शन करके एडिट करके आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो रखना है तो वीडियो के लिए आपको जैसे इसको होल्ड करके रखना है, जितनी देर के लिए आपको वीडियो बनानी है आप भी आपका वीडियो बनाइए, देन उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। देन ये सेंडिंग सेंडने के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हम स्टेटस अपडेट करते थे बट हमको ये पता नहीं रहता था कि हमारा स्टेटस किस किसने व्यू किया है, बट अभी इस फीचर में आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस कौन कौन ने व्यू किया है, और आप चाहें तो आपका स्टेटस आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक लाइन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है योर स्टेटस अपडेट विल बी डिसअपियर आफ्टर 24 आवर। इट मीन्स आपका जो स्टेटस अपडेट है वो ओनली 24 आवर के लिए ही विजिबल रहेगा। दूसरा तीसरा अपडेट है वो यहाँ पे स्टेटस प्राइवेसी को लेके है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस प्राइवेसी का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नंबर 1 पे अगर आपका सिलेक्शन है, इट मीन्स जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में है वो सब आपका स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स को आपका स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उन लोगों का नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए जिनको आपका स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपका स्टेटस नहीं देख सकते। और अगर आप कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स को आपका स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो आप नंबर 3 ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जिन जिन को आप आपका स्टेटस शो करना चाहते हैं आपको उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देना है, वही लोग आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी लोगों को आपका स्टेटस विजिबल नहीं होगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका काफ़ी लंबा डिस्कशन चल रहा होता है या ग्रुप में डिस्कशन चल रहा होता है, बट आप किसी पर्टिकुलर बात का रिप्ले करना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आप एक सिंबल देख सकते हैं, इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, आपका व्हाट्सएप आपके लैपटॉप या पीसी में भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसके लिए आपको ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट्सएप ऐप वेब, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद एक बार कोड स्कैनिंग का बोल रहा है, इसके बाद आपके पीसी में गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ऐप वेब करके डालना है, सर्च करना है, वहाँ पे आपका जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर कोड आ रहा है, व्हाट्सअप कोड, इसको आपको आपके मोबाइल से स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में आपका पूरा मोबाइल का जो व्हाट्सअप है वो आ गया है। आप इजीली यहां से चैट कर सकते हैं और जो आप आपके व्हाट्सअप से कर सकते थे वो यहां से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है या कुछ चैट है जो आप फ्यूचर में सेव करके रखना चाहते हैं तो आपकी पूरी चैट को आपके मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पर ऑप्शन में जाना है, इसके बाद मोर पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल चैट, ईमेल चैट करना है। यहाँ पर आप
डायरेक्ट आपका पूरा चैट मेल कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको वो डाटा चाहिए तो आप इजीली इसको रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप WhatsApp कॉल करते हैं और आपका डाटा कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक डाटा यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डाउन साइड में देख सकते हैं लो डाटा यूजेस, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए तो आपका WhatsApp कॉल के टाइम डाटा यूजेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी चैटिंग में आप कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक या फिर कटा हुआ, तो उस कंडीशन में आपको कुछ कोड्स यूज़ करने हैं। अगर आपको बोल्ड करना है तो पहले आपको स्टार टाइप करना है, उसके बाद आपका सेंटेंस लिखना है, देन अगेन स्टार टाइप करना है, वो वर्ड्स बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको इटैलिक वर्ड्स लिखना है तो पहले आपको अंडरस्कोर टाइप करना है, उसके बाद आपका पूरा सेंटेंस लिखना है, देन अगेन अंडरस्कोर टाइप करना है, तो ये वर्ड पूरा इटैलिक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको इटैलिक प्लस बोल्ड दोनों लिखना है तो पहले स्टार अंडरस्कोर देन आपका सेंटेंस, देन अगेन स्टार अंडरस्कोर टाइप करना है, आपका वर्ड बोल्ड प्लस इटैलिक दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप आपके सेंटेंस या वर्ड को काटना चाहते हैं तो ये सिंबल, इसका नाम मुझे पता नहीं, ये सिंबल को आप पहले टाइप कीजिए, उसके बाद आपका सेंटेंस, देन अगेन सिंबल, तो ये जो वर्ड्स है वो कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि WhatsApp ने काफ़ी सारे नए सिंबल सेट किए हैं जिनकी मदद से आप आपकी चैटिंग को काफ़ी मज़ेदार और आसान बना सकते हैं। दोस्तों WhatsApp में आपका कोई चैट था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैंने उसके स्टेप्स यहां पे शो करके रखे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक और वीडियो बनाऊँगा सेपरेट उसके लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर कुछ मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं मिला है तो डिसलाइक कीजिए, अगर कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।